हे गाइस वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन दिस इज क्लास नाइन साइंस ओलम्पियाट्स चैप्टर फाइव सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट फर्स्ट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रॉबर्ट हुक इज़ ए वेल नोन साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर डैश जो रॉबर्ट हुक है ये वेल नोन साइंटिस्ट हैं क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया डैश तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सेल जो हमारा सेल है वो डिस्कवर हुआ था 1665 में और ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये जो पिक्चर है ये है हमारी रॉबर्ट हुक की और ये है इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके अंदर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल देखे थे जो कॉर्क होता है वो ट्री का डेड पार्ट होता है तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो हमारे डेड सेल्स थे ये जो हमारा डायग्राम है ये है कोर्क सेल का तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी सेल दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ेस सम सेल्स आर इरेगुलर इन शेप सच एज जो सेल्स हैं वो हमारे डिफरेंट शेप के होते हैं और उनका साइज भी डिफरेंट होता है कुछ सेल की जो शेप है वो हमारी इरेगुलर होती है जैसे कि ऑप्शन नंबर वन है अमीबा ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेड ब्लड सेल ऑप्शन नंबर सी है हमारा ल्यूकोसाइट और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ ए एंड सी तो अमीबा के अंदर इरेगुलर शेप होती है और जो ल्यूकोसाइट है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स इनके अंदर भी इरेगुलर शेप होती है तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी जो हमारा रेड ब्लड सेल है इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स और जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते ये जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा अमीबा का और जो ल्यूकोसाइट है वो हमारे कई टाइप के होते हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री ए सेल इज़ पुट इन ए सोल्यूशन ऑफ़ हायर कॉन्सेंट्रेशन डैश ओकरस एंड द सेल डैश जब हम एक सेल को पुट करेंगे हायर कॉन्सनट्रेशन के सोल्यूशन में तो उसके साथ क्या होगा तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शंस ऑप्शन नंबर वन एंडोस्मोसिस स्वेल्स ऑप्शन नंबर बी एग्जोसमोस एंड श्रिंक्स ऑप्शन नंबर सी एंडोस्मोसिस एंड श्रिंक्स ऑप्शन नंबर डी एग्जोस्मोस एंड स्वेल्स तो सबसे पहले देख लेते हैं ओस्मोस जो हमारा ओसमोसिस होता है ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर जो हमारा वाटर का मूवमेंट है वो होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लो कंसंट्रेशन का मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये है सोल्यूट की तो लो कंसंट्रेशन सोल्यूट से हाई कंसेंट्रेशन सोल्यूट की तरफ जो वाटर का मूवमेंट है उसको हम कहते हैं ओसमोसिस इसके अलावा हम कह सकते हैं हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ से जो वाटर है वो हमारा ट्रैवल करेगा लो कन्सनट्रेशन वाटर की तरफ तो वाटर का मूवमेंट होता है सोल्यूट के लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि होती है हमारे पास सेल के अंदर इसके लेफ्ट साइड में जो वाटर है इसके अंदर सोल्यूट हमारा कम है यानी कि लो कंसनट्रेशन सोल्यूट है और जो इसकी राइट right साइड है इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन सोल्यूट है तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा लो से हाई की तरफ और ये जो मूवमेंट है इसको हम कहेंगे ओसमोसिस ऑस्मोसिस के बाद जो लेफ़्ट साइड है और जो राइट right साइड है इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसके अलावा हमारे पास है थ्री टर्म्स सबसे पहले है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल के कंपैरिजन में जो सोल्यूट है वो हमारा कम होता है और जो सॉल्वेंट है वो हमारा ज़्यादा होता है इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है वो हमारा ज़्यादा होगा सेल से और जो सोलवेंट है वो हमारा कम होगा सेल के सोलवेंट से इसके अलावा तीसरी टर्म है आइसोटोनिक सोल्यूशन इसके अंदर जो सोल्यूट का कन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सोल्यूशन है उन दोनों का सोल्यूट कंसनट्रेशन सेम होगा तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जो सोल्यूट है वो हमारा हाई है इसका ये मतलब है कि सेल को हमने रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि सोल्यूट हमारा ज़्यादा है तो ये है हमारा सेल इसके बाहर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और जो सेल के अंदर है इसके अंदर कम सॉल्यूट है तो सेल के अंदर कम सॉल्यूट है सेल के बाहर ज़्यादा सोल्यूट है तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा अंदर से बाहर की तरफ और जो सेल है वो हमारा श्रिंक होगा क्योंकि जो वाटर है उसने ट्रैवल किया अंदर से बाहर की तरफ तो सारा वाटर हमारा बाहर आ गया और जो सेल है वो हमारा श्रिंक हो गया तो ये जो स्मोस है ये हुआ हमारा बाहर की तरफ तो इसका नाम होगा एक्जोस एक्स का मतलब होता है आउट तो ये ऑसमोस है हमारा एग्जोसमोसिस और जो सेल है वो हमारा श्रिंक हुआ है तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर प्लांट सेल डज़ नॉट बस्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन बिकॉज जो प्लांट सेल है वो हमारा बस्ट नहीं होता हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो अगर हमारे पास है एक सेल और इसके बाहर है हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट हमारा कम होता है और सेल के अंदर सोल्यूट हमारा ज़्यादा है तो वाटर हमारा ट्रैवल करेगा बाहर से अंदर की तरफ तो जो सेल है उसके अंदर ज़्यादा वाटर ऐड होगा और सेल हमारा बर्स्ट हो जाएगा लेकिन जो प्लांट सेल है वो हमारा बर्स्ट नहीं होता हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसका हमें रीज़न बताना है तो जो हमारा प्लांट सेल होता है इसके अराउंड होती है सेल वॉल जो सेल वॉल है ये हमारी होती है रिजिड जिसके कारण जो सेल है वो हमारा बर्स्ट नहीं होता हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो हमारा वोटर है सेल के अंदर वो फोर्स लगाएगा इस सेल वॉल पर और जो सेल वॉल है ये उसको बाहर नहीं निकलने देगी और इसको हम कहते हैं टर्जिडिटी तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इट्स सेल वॉल रेजिस्ट बस्टिंग जो सेल वॉल है वो बस्ट होने से रोकती है सेल को तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इज़ जो सेल है उसकी ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं तो सेल की ट्रैफिक पुलिस हम कहते हैं गोलगी अप्रेटस को ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो गोलगी ऑपरेटस है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस की तो सेल के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा होता है गोलगी ऑपरेटस के थ्रू इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी गोल्गी प्रेटस तो गाइज हमने कर लिया है पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर फाइव का नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स टू क्वेश्चन नंबर टेन